खास एवं न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भूमिका और आइए नजर डालते हैं कुछ खास। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 300 अंक टूटा, निफ्टी 10,700 के नीचे। नई कम होगी आपकी ईएमआई, आरबीआई ने बरकरार रखी ब्याज दरें। मिशेल का प्रत्यर्पण, माल्या ने कहा बैंकों का पूरा पैसा लौटाने को तैयार। गुरुवार को फिर सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। 1 जनवरी से महंगी होंगी मारुति की सभी कारें, कंपनी सिर्फ इस वजह से बढ़ाएगी दाम। लियोनेल मेसी से मिलकर सुर्खियों में आया था नन्ना मुर्तजा, अब बेघर होकर खौफ के साए में जीने को मजबूर। केएल राहुल फिर से फ्लॉप, 71 दिन से नहीं लगा सके एक भी 50। आईपीएल नीलामी में 70 स्थानों के लिए दावेदारी पेश करेंगे 1003 खिलाड़ी। अजहर अली और असद शाफी के शतक, यासिर शाह विश्व रिकॉर्ड से एक विकेट दूर। भारत के सबसे अमीर खिलाड़ी हैं कप्तान विराट कोहली, शाहरुख अक्षय भी छूटे पीछे। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। रुपए में कमजोरी और दुनिया भर के बाजारों से नेगेटिव सेंटीमेंट मिलने के बाद घरेलू शेयर बाजार में भी बड़ी गिरावट दिख रही है। कारोबार से सेंसेक्स करीब 300 अंक टूटकर 35,569 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वही निफ्टी 200 अंक से ज्यादा कमजोर होकर 10,700 के करीब आ गया है। बुधवार को सेंसेक्स करीब 250 अंक टूटकर 35,884 पर बंद हुआ। वही निफ्टी भी 85 अंक लुढ़क कर 10,784 पर रहा। बुधवार को आरबीआई की बैठक में होने वाले फैसले को देखते हुए शुरू से ही निवेशकों के बीच सतर्कता देखने को मिली। इस वजह से कारोबार की शुरुआत भी गिरावट के साथ हुई। तमाम कयासों के बीच रिजर्व बैंक ने बुधवार को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। रिवर्स रेपो रेट 6.25% पर बना हुआ है। आरबीआई के इस फैसले से उन लोगों को झटका लगा है जो मिडम पर कटौती की उम्मीदें कर रहे थे। हालांकि लिक्विडिटी आउटपोल बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने एसएलआर में 0.25% की कटौती की है। एसएलआर के तहत बैंकों को फिक्स्ड अमाउंट आरबीआई के पास रखना होता है। वहीं कैश रिजर्व रेशियो में केंद्रीय बैंक ने कोई बदलाव नहीं किया है। बैंकों से कर्ज लेकर विदेश भागे शराब कारोबारी विजय माल्या ने पूरा पैसा चुकाने की पेशकश की है। माल्या ने ट्वीट कर कहा है कि पूरा पैसा लौटाने के लिए तैयार है। खास बात यह है कि माल्या की ये पेशकश अगस्ता घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण के कुछ ही घंटे के बाद आई। प्रत्यर्पण पर माल्या ने कहा कि उसका मामला बिल्कुल अलग है। माल्या ने मीडिया को ही दोषी ठहराते हुए कहा कि उसके प्रत्यर्पण को लेकर मीडिया एक राय बना लेती है। माल्या ने कहा कि मेरा मामला अलग है और ये अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी करेगा। जहां तक बैंकों के पैसों की बात है तो मैंने इसे पूरा 100% लौटाने की पेशकश की है। एक दिन की सुस्ती के बाद गुरुवार को फिर से सभी प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी देखने को मिली है। सभी महानगरों में पेट्रोल 39 से 42 पैसे और डीजल 42 से 46 पैसे तक सस्ता हुआ है। गुरुवार के संशोधन के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नॉन ब्रांडेड पेट्रोल की कीमत 40 पैसे कम होकर 71.32 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं दिल्ली में डीजल 43 पैसे सस्ता होकर लगभग 66 रुपए प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। लागत में वृद्धि और विदेशी मुद्रा विनिमय दर के नकारात्मक प्रभाव से जूझ रही मारुति सुजुकी अगले महीने से अपने वाहनों के दामों में इजाफा करेगी। कंपनी की तरफ से बुधवार को इस बारे में जानकारी दी गई। हालांकि अभी कंपनी की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि वाहनों की कीमत में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी। मारुति सुजुकी इंडियन ने शेयर बाजार को बताया कि कार बनाने में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न सामानों के दाम बढ़ने और विदेशी मुद्रा विनिमय दर का वाहन लागत पर विपरीत असर पड़ा है। सबको देखते हुए कंपनी जनवरी 2019 में विभिन्न मॉडलों के दामों में इजाफे के जरिए ग्राहकों पर बड़ी लागत का थोड़ा बोझ डालने के लिए मजबूर है। अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी के नाम की प्लास्टिक की जर्सी पहनकर फुटबॉल खेलने वाले नन्हे मुर्तजा ने 2006 में फोटो के जरिए रातों रात सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन ये बच्चा अब गुमनामी और गरीबी के अंधकार से जीने को मजबूर है। मेसी का ये प्रशंसक इस समय बेघर है। अफगानिस्तान के गाजी प्रांत के जाबूरी जिले में रहने वाले मुर्तजा के इलाके पर तालिबान द्वारा हमला किया गया और इस कारण 2/3 जनता को बेघर होना पड़ा है। गौरतलब है कि मुर्तजा की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें उसे मेसी की अर्जेंटीना टीम की 10 नंबर की जर्सी पहने हुए देखा गया था। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लगातार संघर्ष कर रहे केएल राहुल एक बार फिर फ्लॉप रहे। वे एडिलेड टेस्ट के महज 8 गेंदों का सामना कर पाए और 2 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस खराब परफॉर्मेंस की वजह से भारत को पहले टेस्ट मैच में अच्छी शुरुआत नहीं मिल सकी। केएल राहुल जब आउट हुए तब भारतीय टीम का स्कोर महज 3 रन था। वे जोश हेजलवुड की गेंद पर एरॉन फिंच के हाथों स्लिप में लपके गए।
इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सत्र की 18 दिसंबर को जयपुर में होने वाली खिलाड़ियों की नीलामी में 8 फ्रेंचाइजी टीम में 70 उपलब्ध स्थानों के लिए 1003 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। पूर्वोत्तर के राज्यों उत्तराखंड और बिहार के क्रिकेटरों के अलावा 232 विदेशी खिलाड़ियों ने भी नीलामी के लिए पंजीकरण कराया है। पूर्वोत्तर के राज्यों उत्तराखंड और बिहार के क्रिकेटरों के अलावा 232 विदेशी खिलाड़ियों ने भी नीलामी के लिए पंजीयन कराया। पंजीकृत खिलाड़ियों में से 800 ने कई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेले हैं, जिसमें 746 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे मैच में अजहर अली और असद शफीक के शतकों के बदौलत अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। उसने मैच के तीसरे दिन यानी बुधवार को अपनी पहली पारी में 348 रन बनाए। इससे पहले न्यूजीलैंड की पहली पारी में मंगलवार को 274 रन पर सिमट गई थी। इस तरह पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड पर पहली पारी में 74 रन की अहम बढ़त हासिल की। तीन टेस्ट मैचों की सीरीज अभी भी 1-1 से बराबरी पर है। उधर लेग स्पिनर यासिर शाह न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरी पारी में एक विकेट लेकर सबसे तेजी से 200 विकेट लेने के रिकॉर्ड की ओर करीब पहुंच गए हैं। फोर्ब्स की 2018 की 100 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की सूची हाल ही में जारी हुई है। इस लिस्ट में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली दूसरे नंबर पे हैं। पहले नंबर पर बाजी बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने मारी है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने एक बार फिर फोर्ब्स की सालाना आय वाली लिस्ट में टॉप पर काबिज हैं। 52 वर्षीय सलमान खान ने 1 अक्टूबर से 30 सितंबर 2018 के बीच 253 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये कमाई फिल्मों, टीवी और विज्ञापनों के माध्यम से हुई है। हमारी खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए 7 न्यूज के साथ। नमस्कार।